एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फाइव कार्ड्स मेजर अरकाना से आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एम्परर, जस्टिस, स्ट्रेंथ, जय हो राधे कृष्ण, द फूल, द डेविल, हाई प्रिस्टेस। सो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है, वी हैव एरीज, लिब्रा, लियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। कलेक्टिव मेजर अरकाना की बात कर रही हूँ, बाकी सभी साइंस टैरो से निकल कर आएंगे। सो एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में है। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में आप कह सकते हैं कि ये दिल की ज़्यादा नहीं सुन रहा है इस टाइम पे, ये दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे। हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करना, क्योंकि मैस्कुलिन लॉजिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, फ़ायदा नुकसान भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इसमें हर चीज़ बहुत ओवर थिंक करके, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत लॉजिकली कोई जजमेंट लेने की एनर्जी है। और इनका जो जजमेंट है वो एक नई शुरुआत से रिलेटेड है। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो जजमेंट है ये इनके लिए आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन फ़िलहाल अपनी इंट्यूशन की सुनकर ये डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर है। तो जिनके भी पार्टनर अपनी इनर वॉइस को सुनकर ये डिसीजन लेंगे वो राइट डिसीजन ले पाएंगे। बट अगर किसी के पर्सन इसी टाइम पीरियड में अपने पावर का इस्तेमाल करके और दिमाग का इस्तेमाल करके अगर निर्णय लेते हैं तो ये गलत निर्णय हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। बहुत सारे लोग लिंक भेज रहे हैं कि मैम कल के अनएक्सपेक्टेड में आपने कहा था कि पहाड़ी एरिया पे कोई खबर आएगी एक्सीडेंट की, और एग्जैक्टली वही न्यूज़ आई सुबह से, अल्मोड़ा की पहाड़ियों में कोई एक्सीडेंट हुआ बस का। एग्जैक्ट गिनती तो नहीं पता बट कोई मुझे 20 का लिंक भेज रहा है, कोई 36 लोग की डेथ हो गई है। तो मैंने रीचेक किया गूगल पे एंड देन जो मुझे मिला वो मैंने डाला। तो बहुत ही दुखद खबर है और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लाचार वाली एनर्जी होती है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। द एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 10 of Swords। मैंने कहा ना इमोशनल एनर्जी नहीं है। एम्परर को जस्टिस ने मेजर अरकाना से क्लैरिफाई किया है, यहाँ पर भी एम्परर के लिए जस्टिस का ही कार्ड है। आपके जो पर्सन है ना कुछ ख़त्म करने की सोच चुके हैं और ये बिल्कुल भी इमोशनल एनर्जी नहीं है, जैसे पत्थर का दिल हो और ये बिल्कुल हार्श डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। जो भी डिसीजन होगा फुल एंड फाइनल होगा और ये जो डिसीजन है एक सिचुएशन ख़त्म करने का है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही कह दिया एनर्जी यहाँ पर वैसी ही है। जस्टिस,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स विथ सफरिंग, देखो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। बहुत समय से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे, तो अब क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। क्लैरिटी आपके फेवर में मिलेगी या अगेंस्ट में मिलेगी वो तो डिफ़र कर सकता है सिचुएशन सबका, क्योंकि सबका कर्म एक जैसा नहीं होगा। अगर 20,000 लोग रीडिंग देख रहे हैं तो 20,000 लोगों का कर्मा एक जैसा नहीं हो सकता। तो एनर्जी क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी डिफरेंट तरीके से रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि इस टाइम आपके पर्सन सफरिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, जब आप गड्ढे में गिरे हों तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपको हाथ कौन दे रहा है, आप बस कुछ भी एक हाथ अगर आपको मिलता है पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करेंगे, वो आपका दुश्मन है, दोस्त है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे आपका जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। तो आपके पर्सन अभी एग्जैक्टली उसी एनर्जी में है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे गड्ढे में हूँ जहाँ रोज़ सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे एक बार में इससे बाहर निकल जाना है चाहे जो हो, ये वाली सिचुएशन है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ को मून ने क्लैरिफाई किया है। इन्होंने इमोशंस की बहुत सुनी, अपने दिल की, अपने मन की बहुत सुने, कुछ नहीं कर पाए। मन की और दिल की सुनकर ये बहुत वेट कर चुके, बहुत इंतज़ार कर चुके। अब इनको लग रहा है कि अब मुझे अपने दिमाग का भी यूज़ करने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ मन से और दिल से कुछ नहीं होने वाला। नई शुरुआत, कैसी नई शुरुआत? स्ट्रेंथ के बाद द फूल आया है मेजर अरकाना से, एंड टैरो से देखिए स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है द फूल को। स्ट्रेंथ फॉर व्हाट? अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। देखिए यहाँ से क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थी और ये कपल कंप्लीट हुआ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक कपल है, चाहे आपके पेरेंट्स हों, उनके पेरेंट्स हों, या अगर आप दोनों मैरिड हैं, तो यहाँ पर एक चेंज आने वाला है आपकी डेस्टिनी में। एक नई शुरुआत की एनर्जी है। डेविल, शादी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेडी नहीं हैं, प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं शादी का। मूविंग ऑन की एनर्जी है, आपके पर्सन उन लोगों से मूव ऑन कर लेंगे। ये इनकी खुद की इच्छा है और ये बिल्कुल केयर फ्री है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दुखी है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वही करेंगे जो इनकी इनर वॉइस कहेगी। इनर वॉइस क्या कह रही है? इनर वॉइस कह रही है लड़ो, क्लैरिटी लो, और जो तुम्हारा दिल कहे उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दो। ये खुद क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ अच्छा होगा? थर्ड पार्टी से कंफ्यूजन से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि वापस आएंगे आपकी तरफ या हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये क्लैरिटी इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को मिलेगी। ये एनर्जी है इस टाइम की। हर हर महादेव। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, वेरी सून हनीमून। वाह, वेरी सून हनीमून, तो राइम बन गया ना। चिल्ड्रेन, काफी दूर की प्लानिंग नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रू लव। तो देखिए ज़्यादातर लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में प्यार तो है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये मैसेज है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों के पर्सन आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं या करते हैं, और ये
फिलहाल अगर आपसे सेपरेटेड हैं किसी भी कारण से, तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं तो हो सकता है इस यूनियन के बाद आप अपने पति पत्नी या बच्चे जो भी हैं आपके, उनके साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप सब एक साथ। सेपरेशन ख़त्म होने वाला है क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को एक और चांस देने के बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपने इनसे झूठ बोला है या इन्होंने आपसे झूठ बोला है, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। जो भी है, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है, हो सकता है गलती उन्होंने की हो आप माफ़ कर दें, या आपने कोई गलती की है वो माफ़ कर दें, और दोबारा कभी आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट ना आए, इसका प्रॉमिस करके आप दोनों यूनियन में आ सकते हैं। या फिर अगर माफ़ी नहीं देनी तो आर्या पार ख़त्म करना है चीज़ों को, इस तरह की वाइब से, मतलब बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी आपको रिसीव होगी आपके पर्सन की। और ये जो भी एनर्जी होगी ये क्यों होगी, क्योंकि अब हम 11-11 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक नई शुरुआत की एनर्जी है, जो कि यूनियन की वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, असेंशन को बढ़ाता है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत फास्ट पेस पे होती है, रिजल्ट टाइम है। जितने भी आपने 8-8 पोर्टल से लेके 10-10 पोर्टल तक आपने सफ़र किया है, उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, पास फेल, वो डिक्लेयर होने की एनर्जी है 11-11। तो अब हम क्योंकि उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर आप किस लेवल पे पहुँचे, आप नेक्स्ट क्लास में जाने लायक हैं या अभी आपको पीछे ही काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें क्लियर आउट होंगी। क्लैरिटी काफ़ी लोगों को मिलेगी। 1 नंबर वैसे भी न्यू बिगनिंग का है, तो इल्यूजन्स दूर होंगे, नई शुरुआत होगी। इल्यूजन्स क्यों दूर होंगे, क्योंकि 1111 इज़ 4, 4 इज़ राहुज नंबर, और राहु क्या है, मिस्टिकल प्लैनेट है, राहु इमेजिनेशन है, राहु धुआं है, राहु इल्यूजन है, तो वो हट जाएगा आपकी ज़िंदगी से, वो लोग दूर हो जाएंगे जो इल्यूजन थे, जो आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे थे, वो एक्चुअल में आपके थे ही नहीं, ऐसे लोग ही दूर हो जाएंगे, एक नई शुरुआत होगी। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जो भी ट्रू लव करते हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी है, और जो भी इल्यूजन्स होंगे वो रिमूव होंगे, सिंपल। देखते हैं इमीडिएट एक्शन, क्या एक्शन होने वाला है इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या होने वाला है। जो कांटेक्ट में है पहले उनका बताएं, जो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में है कांटेक्ट में ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कांटेक्ट में है और अगले 27 घंटे के अंदर ब्रेकअप में आ जाते हैं, उसका रीज़न परिवार हो सकता है ज़्यादातर, क्योंकि ब्लॉकेज है। कई लोग ऐसे हैं जो यूनियन में तो हैं बट ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, मैसेजेस कॉल्स ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये बहुत बिजी हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बिजी नहीं है, इनका कोई और सिचुएशन है जिसके कारण यहाँ पर आपसे बात नहीं कर रहे। तो कमिंग 27 आवर्स मुझे तो कोई नेगेटिव एनर्जी रिसीव नहीं हो रही, बट कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज आ रहा है, मतलब कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि फैमिली से जुड़ी हुई हो और सडनली आप दोनों की बात कम हो जाए, ऐसी वाइब्स है। बाकी तो कोई नेगेटिव वाइब्स मुझे अभी फ़िलहाल पिक नहीं हो रही कांटेक्ट वालों के लिए। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या बात होगी। नहीं, अभी ज़्यादा चांस नहीं है फिलहाल, तो नहीं, मिस कर रहे हैं बट बात नहीं करेंगे, मैसेजेस या कॉल्स फ़िलहाल आते हुए नज़र नहीं आ रहे। 4-4 की एनर्जी है, 4 दिन पेशेंस रखिए, मिनिमम 22 घंटे। कुछ लोगों को 22 घंटे में होप है कि मैसेजेस आ सकते हैं, वैसे ज़्यादातर एनर्जी इज़ नॉट पॉजिटिव। क्यों अकेले रहना चाहते हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, ब्लॉकेज है, मिस बहुत करते हैं बट ब्लॉकेज के कारण नहीं आ पा रहे, और कुछ कार्मिक साइकल्स के कारण।
लकी वंस 22 घंटे के अंदर होप रखिए मैसेजेस आ जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के पर्सन मिस कर रहेंगे इमोशनल लेवल पे, लेकिन इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये अभी आपको कांटेक्ट करें। ये सही समय आने पर आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगी या करेंगे। आपकी भी लाइफ में हैप्पीनेस आए ऐसा ये भी चाहते हैं, आपकी केयर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते, आपकी केयर नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, बट शादी की कमिटमेंट नहीं दे सकते अभी, इस वजह से ये आपसे दूर हैं। इनको लगता है कि बात करेंगे तो शादी के बारे में पूछेंगे, और शादी के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी या मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए इन्होंने पीछे हटने का ही डिसीजन लिया हुआ है। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर ये पीछे हटे रहेंगे, ऐसी वाइब्स है। सब्र रखिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को अभी इस वक्त? कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं आप, या कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं जैसी आपकी क्षमता हो। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, अगर हेल्थ ऑलरेडी ख़राब है तो इम्प्रूवमेंट आएगी। कुछ लोगों की मदद लें अगर आप कष्ट में हैं तो, अपने आप को हील करने के लिए। अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आप में से कुछ लोगों को मिलने वाली है कमिंग टाइम पीरियड में। ऐसी जानकारी जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को सक्सेस भी मिलने वाला है, सही समय आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कमिंग 4 डेज़ के अंदर सक्सेस मिलेगी, चाहे मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, बीच का रास्ता निकलेगा और आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कई महीनों से अटकी हुई है, समझ रहे हैं? देखते हैं एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं आपको। टू मोर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है विक्टिम मेंटेलिटी। आप में से कई लोगों की विक्टिम मेंटेलिटी होगी, इसलिए कार्ड आया है। विक्टिम मेंटेलिटी का क्या मतलब है? कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा होता है, मैं ही हमेशा सफ़र करता हूँ या करती हूँ, मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया बट मेरे साथ बुरा ही होता है। ये विक्टिम मेंटेलिटी है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता आपका पास्ट कर्मा क्या है, ठीक है? सो ऑलवेज़ एक्सेप्टेंस मोड पे रहना सीखिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है मीन्स कुछ ना कुछ तो मैंने ऐसा किया होगा, चलो ये कर्मा कट गया, कर्मा रिलीज़, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरा एक बड़ा कर्मा हील कर दिया, रिलीज़ कर दिया, और मैं ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ या करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी कर्म हैं सब ऐसे ही कट जाएँ, दूर हो जाएँ, मैं लाइट फील करूँ, मैं जितना कर्मा बैगेज लेकर आया था वो रिलीज़ हो जाए फटाफट, जिसको मुझसे लेन देन है ले दे के जाए, हटे, टाटा बाय बाय। ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, अपने ऊपर और बोझ मत लो, ठीक है? बैकन ऑफ लाइट, यू आर अ लीडर, टीचर, मेंटर फॉर मैनी पीपल अराउंड यू। हमेशा एक ऐसी फ्लेम बनने का कोशिश करें जो दूसरों को रोशनी दे, जो दूसरों को असेंशन में हेल्प करे, जो दूसरों को सही दिशा दिखाए। आप हर इंसान के आसपास सराउंडिंग में उनसे जुड़े हुए हज़ारों लोग होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कलीग्स हो, हर इंसान का अपना एक बैकअप होता है। कुछ लोगों का, हज़ारों लोग, 500 लोग, कुछ ना कुछ लोग तो सबके बैकअप में होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप उसको दीजिए, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, ठीक है? लास्ट मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपके अपने दोस्त, आपके अपने मित्र, आपके अपने चाहने वाले जो आपसे बहुत प्यार करती थी या करते थे, कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा दोस्त चेंज हो गया, या मेरा जो रिलेटिव था जिसके साथ मैं घूमता था या घूमती थी, या मेरे जो नेबर्स थे वो चेंज हो गए। रिलेशनशिप जो है उसमें आप चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे। सब चीज़ का एक समय होता है, हर व्यक्ति का आपके जीवन में एक लिमिटेड टाइम पीरियड का ही रोल है। भगवान ने उतना ही पे किया है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ही तुमको इसकी ज़िंदगी में जाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको रहना है तो तुम रहो, तुम्हारी मर्ज़ी। पेमेंट नहीं मिलेगी उसकी, पेमेंट उतने की ही मिलेगी जितना टाइम दिया गया है, तो उससे ज़्यादा, एक मिनट भी ज़्यादा कोई नहीं रहता।
तो सोल को जितनी इंडिकेशन देकर भेजा गया है कि तुमको इस दिन से लेकर इस दिन तक रहना है, वो उतने ही दिन तक रहेगा। उसके बाद आप पर कोई बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो पता चला आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ नहीं है, या आपका वो रिश्तेदार आपके साथ नहीं है उस टाइम पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे पहले खड़ा होगा या खड़ी होगी। सो हर सोल की एक बाउंड्री है। तो कोई आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है, से टाटा बाय बाय, जहाँ जा रहे हो खुश रहो, मस्त रहो। मैंने जो मेरे साथ कुछ गलत किया मैंने माफ़ किया, अगर मैंने कुछ गलत किया हो माफ़ कर देना। ये हमेशा अपने मन में कह देना चाहिए या सामने भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ किसी बंधन में मुक्त मत रहिए, रिलीज़ करते जाइए, ब्लेस करते जाइए, ठीक है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।